पहले कितना काम करे तू पहले टाइम पर। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से हो चुकी है आज के दिन की शुरुआत और मैंने भी कर दी है अपने ब्लॉग की शुरुआत। और अगर मौसम की बात करें तो आज मौसम बिल्कुल साफ है, खुला खुला सा है और एक बार फिर से हमारे गाँव में चमचमाती खिलखिलाती धूप लग चुकी है। और बाकी यहाँ पर हमारे गाँव के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं, चाय पानी भी हो गया उनका। और आजकल हम सुबह दाल चावल खा रहे हैं और उसके बाद खेतों में काम करते हैं दिन भर। और लेकिन ख़ास बात यह है कि आज हमारे ही उत्तराखंड के बड़ियारगढ़ से एक और यूट्यूबर भाई साहब हमारे गांव में आ रखे हैं और वह यहां पर डॉक्यूमेंट्री पे काम करते हैं, गांव-गांव जाते हैं। लगभग 150 गाँव वो घूम चुके हैं और 150 गाँव घूम कर वो बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे गाँव पर डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और जो उनकी दिनचर्या है, जो उनके बीते समय है, जो अभी आज का समय है उसके बारे में वो बताते हैं और अपनी संस्कृति को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आप लोगों को उनसे भी मिलाता हूँ। शहर में बच्चा दे दिन भी हमारे खेत की बाड़ी से सब कुछ खेत में काम करी, अपने बच्चा पाले न, स्कूल पढ़े नी, तू तो खाना बने, तू तो खिलाई तो भेजी, तू शादी करी, तू शादी करी ना दिन ना सब कुछ खेती बाड़ी भी हमारे थोड़ा बहुत करी हुई थी। बाकी बड़ी नया वाला नहीं पसंद है। काई बड़ी है ना चांदी, चांदी चांदी बड़ी है नहीं चांदी। चांदी का कुछ? उबु। चंदा रो चाम। चंदा रो चंदमली है। आता ये फेरी हो। ये सोना खाई तरफ। ना। चांदी टीरीगढ़ वाल में चाहिए। टीरीगढ़ वाला। अच्छा दूसरी जगह बताओ। हाँ। अच्छा वो बड़ी नया था। वो बड़ी है यहाँ। तुम्हारा पूरा। हाँ वो है वो खाड़ उन दोनों तो ये घर तय दारी नो तो अभी रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स वाले यहाँ पर चाची का इंटरव्यू ले रहे हैं और चाची दे रहे हैं इंटरव्यू अपना और यहाँ पर उनकी जीवनचर्या के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, पुराने समय और आज के समय के बारे में भाई साहब जानकारी ले रहे हैं। अभी यहाँ पर फोटो शूट चल रही है और भाई और बहनों अभी मैं आपको मिलाता हूं एक और यूट्यूबर से जो हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल से ही हैं, बड़ियारगढ़ से ही हैं और इनके चैनल का नाम है रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स। तो जो गांव-गांव घूमकर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं गांव के बारे में, गांव के लोगों के बारे में, उनकी दिनचर्या के बारे में, समाज के बारे में और संस्कृति के बारे में दिखाने का काम करते हैं। तो उनसे भी मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराता हूँ। तो भाई और बहनों ये हैं रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स, बड़ियारगढ़ के हैं, उत्तराखंड के। तो भाई जी जरा अपने बारे में बता दो हमारे। नमस्कार दोस्तों, मेरा भी यूट्यूब चैनल, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स और मैंने स्टार्ट किया था 1 साल पहले और मेरे को लगभग 1.5 साल हो गया और आने वाली मई में मेरे को 2 साल हो जाएंगे। और मैं पहले स्टार्ट में ऐसे ही ब्लॉग बनाता था अपने गाँव में, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गांव-गांव जाके और जैसे एक्सप्लोर करते हैं कि किसी नए गांव में चलेगी, वहाँ पे वो लोग क्या काम करते हैं, वहाँ पे रहन सहन कैसा होता है, कितनी वो लोग खेती करते हैं, कितना वहाँ से पलायन हो चुका है। तो इस विषय में मैंने जो है रिसर्च करनी स्टार्ट करी, एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर धीरे धीरे मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया। तो मैं अब प्रॉपर जो है हर गाँव की डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ और कितना वहाँ से जो है, किस वजह से लोग वहाँ से जो है पलायन कर रहे हैं, तो ये सब मैं अपने उसमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाता हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे हैं तो उनको फिर से जो है आबाद किया जाए। तो ये है हमारे रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स, टीरी गढ़वाल के, उत्तराखंड के। और भाई जी गांव-गांव जाकर समाज को दिखाने का काम करते हैं, संस्कृति दिखाने का काम करते हैं, लोगों की दिनचर्या दिखाने का काम करते हैं और थोड़ा सा पलायन के बारे में भी वीडियोज बनाते हैं, इस विषय पर भी वीडियोज बनाते हैं। तो भाई जरा हमारे चैनल के बारे में बता दो, यूके गढ़वाली ब्लॉगर
और जो सब्सक्राइबर है थोड़ा हमसे भी जुड़ जाए, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं और मैं जो गलत घटनाएं हैं उनको भी एक्सपोज करने का काम करता हूँ। तो आप उस पे जो घटनाएं होती हैं रोज या उस पे आप जो है लोगों को जागरूक करते हो, वो भी ये भी बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को इस चीज़ से जो है अवेयरनेस मिलेगी कि हमें कहाँ पे कैसे रहना है, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो हमें कितना अलर्ट रहना है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। तो भाई जी का चैनल भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रावत जी गढ़वाली ब्लॉग्स हैं तो इनके चैनल पर भी जरूर जाइएगा। ये डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं और बहुत अच्छी बात है कि ये गांव को दिखाते हैं, गांव गांव जाकर समाज को दिखाने का काम करते हैं और वहां की हकीकत दिखाते हैं। और साथ ही साथ में हमारे चैनल को भी आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ इनका चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, इन पे भी आएं, वहां पे भी आपको जो है एंटरटेनमेंट मिलेगा। धन्यवाद बहुत बहुत। तो यहाँ पर चाचा जी नमक पीस रहे हैं, वो भी लहसुन धनिया पुदीना और जीरा अदरक और लाल मिर्च। तो जो ये घर का नमक होता है ये बहुत टेस्टी होता है और इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और चाचा जी कह रहे हैं कि एक काम करो आप खटाई बनाओ, क्योंकि मैंने नमक तो तैयार कर दिया है, अब आप लोग खटाई तैयार करो। ये है घर का नमक। शाम के 4:30 बज चुके हैं और धूप ऊपर पहाड़ियों में चली गई है और इस तरफ तो आप देख सकते हैं अंधेरा होने वाला है और 1 घंटे बाद लगभग अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। लेकिन अभी भी स्कूल के बच्चे स्कूल से होकर घर निकल रहे हैं और अभी भी मैं बता दूं आपको कुछ बच्चों को बहुत नीचे जाना है, गांव नीचे है और लगभग 6 से 7 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है पहाड़ों में बच्चों को स्कूल जाने के लिए। और यहां पे सड़क भी बननी है लेकिन पता नहीं सड़क कब बनेगी। तो अभी भी बच्चे स्कूल से घर आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं दीपक सेठ आए, इसने बाल भी कटवाए हैं, हेयर कटिंग करवाई है, थोड़ा सा इंसान बन गया है। और ये मौसी हैं और मौसी को जाने घास होता आप घास किसके लिए भाई? नहीं ऐसे बैठने आई हूँ। घास तो घूमने के लिए आ रही है और गोड़ बाछुल कुछ नहीं, नहीं। भैंस भी नहीं। तो आजकल गाय बच्ची है। तो आजकल गांव में गाय बच्ची भैंस कम ही पालते हैं लोग, बहुत सारे लोग तो पाल रहे हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पाल रहे हैं क्योंकि मौसी के पैर में दर्द है थोड़ा। हाँ कभी बहुत समय पहले मौसी के पैर में फोड़ा हो गया था, कुछ हो गया था तो उससे थोड़ा सा अभी भी दर्द होता होगा। ऑपरेशन हुआ, हाँ इंद्रेश हॉस्पिटल में भी गई थी मौसी और 5-6 महीने तक पैर का इलाज ही चलता रहा और उसका इफेक्ट अभी भी पड़ा हुआ है। और बाकी यहाँ पर चाची तो कपड़े धो रहे हैं, शाम का समय हो गया है और अब खेतों में जाएंगे इसके थोड़ी देर बाद। और ये लड़की स्कूल से आ गई, इसने भी कपड़े चेंज करते अपने। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये अमरूद का पेड़ और इसकी जो टहनी है अमरूदों से भरी हुई है, लदी हुई है और ये ज़मीन को टच कर रही है। तो इन अमरूदों को निकालने के लिए ज़्यादा मशक्क़त तो करनी नहीं पड़ेगी, लेकिन जो ऊपर हैं अमरूद वहाँ कुछ अमरूद पके हुए हैं तो उन अमरूदों को मैं निकाल लेता हूँ। दोस्तों समय हो चुका है 5:30 का और यहाँ पर अंधेरा होने वाला है और रात भी होने वाली है, लेकिन इससे पहले कि अंधेरा हो जाए पूरी तरह से रात हो जाए मैं भी अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैं आज की ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर लूँ, मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ में ब्लॉग पर अपना लाइक और कमेंट जरूर दे दीजिएगा और वीडियो को हो सके तो व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं भी शेयर जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके भाई का चैनल भी जल्दी से ग्रो कर सके। दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी नई ब्लॉग और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, बाय बाय।